स्टूडेंट्स अवल अकैडमी ऑफ एजुकेशन एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन की कड़ी विच आज आपां करंट अफेयर्स द नैक्सट वीडियो जो कि एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी ते बेस्ड है और ये जो करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2020 तो लिते गए हैं स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो तुसी सिक्योरिटी इश्यूज़ के उपर करंट अफेयर्स डिस्कस करे सी अपा एदे च अपा एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी करांगे राइट। हुण सब तो पहला एक स्पीशीज़ बड़ी न्यूज़ च रही सी जनवरी च वो सी सेना स्पेक्टेबिलिस ता ए एक प्लांट स्पीशीज़ है पौद्या दी स्पीशीज़ है। क्यों रही? क्योंकि केरला जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इसनों इस दी ग्रोथ नू रोकन लई कुछ कदम चुकन जा रहा है। ये पहला एक प्लान दे अंतर्गत जो वायनाड एरिया है केरला दा उत्थे ए प्लांट्स जो है उगाए गए सी ठीक है। कारण क्या है दा? ए जो प्लांट्स ने एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहे ने एलिलो केमिकल ठीक है जो के जो दूसरी स्पीशीज़ दी ग्रोथ और जर्मिनेशन नू बहुत बुरी तरह इंपैक्ट कर रहा है ख़राब कर रहा है। वो इस करके इसकी जो ग्रोथ है सेना स्पेक्टेबिलिस दी इसनू लिमिटेड करन जा रहे ने राइट। दूजी चीज़ जो न्यूज रही जनवरी के दौरान वो सी टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि अपने आप च इंडिया च एक फर्स्ट तरह का प्रोजेक्ट है और ये कित्थे इनोग्रेशन किया गया है दा? बिहार च बिहार दे भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन च ठीक है जी। और इस भागलपुर नू ही क्यों चुना गया? क्योंकि इत्थे जो है आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड मिलदियां ने टर्टल्स दे टर्टल्स दी ब्रीडिंग लई आइडियल ग्राउंड्स मिलदियां हन ठीक है जी। इस चीज़ नू ध्यान रखियो ते नक्शे विच तुसी भागलपुर नू ध्यान रखना है वायनाड नू केरला नू अपने नक्शे विच एटलस विच देखना है कित्थे है थोड़ा एलिलो केमिकल्स बारे भी ध्यान रखना ठीक है जी। इन चीज़ों नू ध्यान रखना वेले टाइम तुसी फ्री टाइम च इन्हां नू जो है सर्च कर सकते हो नेट के उपर। हूँ उस तो बाद जो मेन चर्चा च रहा प्रोग्राम वो सी स्मोक टावर्स। हूँ दिल्ली च पिछले दिनों पोल्यूशन तो लेके दिसंबर के आसपास नवंबर के आसपास बहुत ज़्यादा चर्चा रही कि इत्थे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है। दिवाली तो दिवाली तो पहला या बाद च कुछ जो है पंजाब नू भी दोष देंदे ने पंजाब ते हरियाणा के किसानों नू कि वो पराली जलांदे ने ठीक है जी। तो फिर मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अते सेंटर गौरमेंट नू डायरेक्ट किया है कि दिल्ली विच जगह जगह ते स्मोक टावर्स लगाए जाण। स्मोक टावर्स है क्या ने क्या चीज़ होंदे ने? तो ये इदां दे स्ट्रक्चर ने जो कि लार्ज स्केयर एयर प्यूरीफायर के तौर पर काम करते ने ठीक है। तो इस तरह का पहला जो स्मोक टावर है वो लाजपत नगर विच लगाया गया है। इसकी कैपेसिटी की है जी कि ये 6 लाख क्यूबिक मीटर जो है एयर पर डे जो है प्यूरीफाई कर सकता है। तो ये जड़ा जो प्रोजेक्ट है ये आईआईटी बॉम्बे ते आईआईटी दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा दी कोलैबोरेशन नाल किता जा रहा है किता संपन्न किता जा रहा है ठीक है जी। इस तो बाद अपा चलांगे हूँ नंबर 4 ते अपा जो करांगे वो है स्नो एंड एवलांचे स्टडी एस्टेब्लिशमेंट्स SASE एस फॉर स्नो एवलांचे ए एस फॉर स्टडी एस्टेब्लिशमेंट ठीक है। ये कित्थे है? ये हैगा जी मनाली हिमाचल प्रदेश बनया होया है।
ये पिछले दिनों न्यूज़ च रहा क्योंकि इसने ले जो लद्दाख विच है उत्थे स्नो एवलांचे आने दी जो है वार्निंग दित्ती सी, राइट। उस तो बाद नेक्स्ट वी मूव करांगे ग्रीन क्रेडिट स्कीम, इट्स इंपॉर्टेंट, एग्जाम च हिट कर सकता है। तो ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है और इसका पर्पस की है, जो इसका पर्पस है कि जो फॉरेस्ट ने फॉरेस्ट नू हुण एक कॉमोडिटी की तरह ही ट्रेड किया जाएगा, ट्रेड मतलब व्यापार, राइट, कॉमोडिटी की तरह ही ट्रेड किया जाएगा। उस तो बाद यदा मेन क्या है कि एदे विच जो ए एजेंसियां हो गई लाइक प्राइवेट कंपनीज हो गई, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज हो गई, तो उन्होंने ऐसी लैंड आइडेंटिफाई करने वास्ते जो के प्लांटेशन नू ग्रो करने वास्ते सही होवे वो आइडेंटिफाई करने वास्ते कहा जाएगा ते वो लैंड उन्होंने प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। 3 साल तो बाद ओहो कंपनसेटर फॉरेस्ट लैंड दे लई एलिजिबल बन जाएंगे, पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दी शर्तां ने उन्होंने क्राइटेरिया है वो उन्होंने पूरा करना पवेगा, राइट। हुण जिस भी इंडस्ट्री नूं फॉरेस्ट लैंड दी लोड है, फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट लई धरती या जंगलात प्लांटेशन लई जरूरत है तो वो उन्होंने अप्रोच कर सकते ने, ठीक है। जो पार्टिसिपेटिंग एजेंसी होएगी वो फ्री होएगी, आज़ाद होएगी टू ट्रेड इट्स एसेट दैट इज़ प्लांटेशन, जो उन्होंने प्लांटेशन उगाई है वो उन्हों ट्रेड करने लिए व्यापार करने लिए वो आज़ाद रहेगी, इन पार्सल्स विद प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हु नीड फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। तो इस दी बैकग्राउंड अगर चलीए 2015 जो ग्रीन क्रेडिट स्कीम जो है गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इसनों लेके आए सी, पर ए यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर जेड़ा है वो इस दी फाइनल अथॉरिटी है, उसने इनू अप्रूव नहीं किता सी, पर इस गवर्नमेंट ने इनू अप्रूव कर दिता है, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसे कुछ प्रोज एंड कॉन्स ने कि जंगलात जो है ये वध भी सकते ने और घट भी सकते हैं, ठीक है। हुण उस तो बाद आपां चलांगे जी, पिछले दिनों न्यूज़ च रहा जो है वो है काजीरंगा नैशनल पार्क कित्थे है, ये असाम विच है, नॉर्थ ईस्ट च असाम च, ठीक है। ये न्यूज़ च क्यों है, क्योंकि इत्थे ये साइन हैगा बिकॉज़ इन न्यूज़ बिकॉज़ एज़ पर 2018 दा जो सेंसस सी उहदे अनुसार इत्थे 2413 राइनोस मिले ने और 1100 दे लगभग एलीफेंट्स मिले ने, हाथी मिले ने, 2014 दे टाइगर सेंसस दे मुताबिक इत्थे 103 टाइगर हैगे और इट इज़ होम टू बिग एनिमल्स लाइक राइनो, एलीफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफलो, राइट। नेक्स्ट वी विल मूव, नेक्स्ट जो है न्यूज़ विच रही आइटम वो है
कोस्टल जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स। ठीक है, ये न्यूज़ विच क्यों रहे? बिकॉज SCI मीन्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्डर टू रेज इलीगल अपार्टमेंट कम्प्लेक्सिस इन मराडू केरला फॉर ब्रीचिंग ऑफ CRZ नॉर्म्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि मराडू केरला विच इलीगल अपार्टमेंट बनाए गए सी नियर कोस्टल जोन, ता इन्हां नूं ख़त्म करने लई, डिस्ट्रॉय करने लई ऑर्डर किते ने सुप्रीम कोर्ट। हुण CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स, कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स की हैं, मतलब नंबर फर्स्ट क्या है? दे गवर्न ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्लोज टू द कोस्ट लाइन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रेगाइल इकोसिस्टम नियर द सी। समुद्र के नेड़े कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन है उस दे नज़दीक किसी भी ह्यूमन या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नू ए रूल, ए नॉर्म्स जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं। किन्ने एरिए दे अंदर? 20 मीटर दे अंदर। ठीक है, उसके 20 मीटर दे अंदर अंदर तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर आल आइलैंड क्लोज टू द मेन आइलैंड कोस्ट, मेनलैंड कोस्ट। ठीक है, तो ये जो रूल ने ये पहली बार 1991 बनाए गए, जो के आफ्टर पासिंग ऑफ द एनवायरमेंट एक्ट इन 1986, 1986 जो एनवायरमेंट एक्ट पास होया उस तो बाद ये रूल जो है फ्रेम किए गए। लेटली 2018 इन्हों दे रिगार्डिंग फ्रैश रूल बनाए गए सी। ठीक है, इन्हों रूल जो बनाए जाते हैं यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा बनाए जाते हैं, पर जो इन्हों की इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट थ्रू देयर कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। ठीक है जी, इस रूल नू ध्यान नाल करो क्योंकि ये हिट कर सकता है। इस कड़ी विच नेक्स्ट है जी, सेंटर इजीज CRZ रूल्स फॉर ब्लू फ्लैग विचेस। ठीक है, तो CRZ रूल्स तुसी पॉइंट नंबर 7 च पढ़ लेने। हुण आपां पढ़ांगे जी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की है। तो एक इको टूरिज्म मॉडल है एंड मार्क्स आउट बीचिस एज प्रोवाइडिंग टूरिस्ट एंड बीच गोअर्स क्लीन एंड हाइजीनिक बाथिंग वाटर। मतलब जो बंदे बीच नू विजिट करते हैं, जिस तरह टूरिस्ट हो गए या बीच गोअर्स हो गए दिल्ली दे, ता उन्हां नू साफ एंड हाइजीनिक पानी नहाने लई, पीने लई फैसिलिटीज़, एमेनिटीज़, होर तरह की सुविधावां, एक हेल्दी एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट ऑफ द एरिया लई जो है उत्तरदायी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन देंदा कौन है? तो ये एक डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन जो कि एनवायरमेंटल एजुकेशन लई काम करती है वो देती है। ये 33 यानी 33 जो है क्राइटेरिया ने जिन्हों 4 मेजर हेड च रखा गया है। इन्हां चों पहला क्या है जी? एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन हो गया। दूसरा हो गया बाथिंग वाटर क्वालिटी, जो उत्थे पानी नहाने लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसकी क्वालिटी। एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज, इन्हां पैरामीटर्स ते बेस्ड है ये, इस दे मुताबिक ही ये सर्टिफिकेशन दिती जाती है। ठीक है जी, एदे च जापान एंड साउथ कोरिया जिहड़े ने इन साउथ एंड ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया च दो ही ऐसे देश ने जिन्हां नूं ये सर्टिफिकेशन दिती गई है। ठीक है जी, अपने इत्थे भी लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ने, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, 13 बीचिस नूं सिलेक्ट किया है इस सर्टिफिकेशन की दौड़ विच। जो शामिल ने उन्हें नंबर 1 गोगला बीच जो कि दीव च है, शिवराजपुर बीच जो कि गुजरात च है, भोगवे बीच जो महाराष्ट्र च है, कपल बीच जो केरला च है, मिरमार बीच जो गोवा च है,
गोल्डन बीच जो उड़ीसा च है, मतलब ये कुछ मेन मेन ने, बाकी तुसी नेट ते सर्च मार सकते हो। तो ये बीच जो है इस सर्टिफिकेशन की दौड़ विच शामिल हैं। नेक्स्ट है जी सक्षम कैंपेन। तो ये जो सक्षम कैंपेन है ये एक महीना लंबा जो है कैंपेन है, जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है, उस तो द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये जो है पीपल सेंट्रिक है, लोगों की सहायता नाल कैंपेन चलाया जाता है, लोगों नू फ्यूल कंजर्वेशन बारे दसया जाता है ये, ठीक है। जो PCRA यानी ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के अंडर आने वाली ऑयल या गैस कंपनियां इस कैंपेन नू चलांदियां हैं, और वेरियस जो इंटरैक्टिव प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं इस महीने के अंदर। तो जे एदे च होने वाली एक्टिविटियां केड़ी केड़ी हैं, लाइक सक्षम साइकल डे फिक्स कर लेंदे ने, ठीक है, वर्कशॉप ड्राइवर्स लई वर्कशॉप, कमर्शियल व्हीकल दे ड्राइवर लई वर्कशॉप, हाउस वाइफ्स दे कुक्स वगैरह लई जो है सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो उन्होंने सिंपल फ्यूल सेविंग जो मेजर ने वह दसे जाने, इट्स एन इंपोर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ नोट डाउन इट। नाओ हुण आपां अगे चलांगे तो आपां देखांगे इरावडी डॉल्फिन्स। ये क्यों न्यूज़ रही हैं, क्योंकि 146 सच डॉल्फिन्स, ये जो इन्हां चों 146 डॉल्फिन्स जो हैं चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा दे विच पाईयां गईयां। तो जो लेक है ये इनू लोकेट करो अपने एटलस विच, देखो किथे है ये। तो लेक हैज़ हाईएस्ट सिंगल लैगून पापूलेशन ऑफ द एक्वेटिक मैमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो ये जो इरावडी डॉल्फिन्स हैं इन्हों का IUCN जो स्टेटस है ये एंडेंजर्ड है, मतलब ख़त्म होने वाली है स्पीसीज है ये। इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्सेला ब्रेवोस्ट्रिस एस, ठीक है। तो इसका हैबिटेट मिलते हैं कितने ने, ये लेक्स रिवर एस्चुरीज या कोस्ट मिलती हैं, ये भी पिछले दिनों न्यूज़ रही, तो इनू ध्यान नाल नोट कर लो। दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो, आज दे वीडियो लई इन्ना ही। अच्छा लगे तो इसनू शेयर लाइक सबसक्राइब करो, होर बच्चों नू भी इस दे बारे दसो ताकि वह भी इसका फायदा उठा सकन। और नैक्सट वीडियो च आपां फिर मिलांगे नवे करंट अफेयर्स दे नाल। उदों तक इन्हां नू रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो, याद करो, लर्न करो। टिल दैन इट्स गुड बाय।